सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम सभी फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेक मरी गुरु पर। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यार मैंने आपको जो काफी दिन पहले से बोल रहा था कि मैं प्राइस एक्शन का कोर्स लाने वाला हूं, इवन मैंने कल भी अपडेट दिया था कि भाई जो लोग पैसा लेकर सीख रहे थोड़ा वेट कर लो, प्राइस एक्शन का कोर्स आ रहा है जो कि आपको टोटल प्राइस एक्शन में होता क्या है। हमने वो सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया और इंशाल्लाह आगे बहुत जल्दी हम पूरा सो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस सीरीज में आपको मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक प्राइस एक्शन बताऊंगा। काफी छोटा कोर्स रहेगा मेरे हिसाब से, 7 से 8 वीडियो का कोर्स रहेगा, लेकिन यस मैं इसमें वही चीज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ फायदा दे सके, कम से कम आपका लॉस हो सके और ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट हो सके। एक्यूरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आने वाले वीडियोस में मैं लाऊंगा जब हमारा प्राइस एक्शन खत्म होगा, कितने स्लॉट साइज से कितना फंड से कितना लॉट साइज हमको यूज करना है ताकि आपका ट्रेडिंग जर्नी आप स्मूथली रन कर सके फॉरेक्स के अंदर। तो बहुत कुछ आने वाले टाइम में हम इस प्राइस एक्शन के बाद हम बहुत कुछ लाने वाले इस चैनल के ऊपर। तो अभी से रिक्वेस्ट करूंगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन इधर साइड होता है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके सेव भी कर लो ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो बिना नॉलेज के तो गाइस आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। दोबारा रिपीट करा दूं, यहां पर क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होता, हमने कोई चीज को परचेज कर लिया और चलो भाई प्राइस नीचे आया तो होल्ड कर, बिल्कुल नहीं होता। यहां पर आपका अकाउंट फ्लश हो जाता है, ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुका पहले के वीडियोस में। अकाउंट आपका अगर माइनस में जाता है, जितना आपका बैलेंस अगर उतना रीच हो जाता है माइनस, तो आपका अकाउंट जीरो, खत्म, आपका पैसा लॉस हो जाता है। तो बहुत कुछ है, लेकिन यस अगर आप फुल नॉलेज के साथ इस ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आपका एक रेगुलर इनकम बना सकते हो। फॉरेक्स में मैंने जो वीडियोस बनाने का सोचा हो या कोर्स जो लॉन्च कर रहा हूँ इसका सिर्फ इसलिए डेडिकेटेड है कि बहुत से लोगों को रेगुलर इनकम नहीं मिल रहा है। हम सभी को पता है क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा अप डाउन है, तो रेगुलर इनकम हम नहीं कर पा रहे, स्पेशली जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनके लिए। तो मैं कुछ स्ट्रैटेजी पर वर्क कर रहा हूँ फिलहाल, मैंने $150 से स्टार्ट किया हूँ और अभी के टाइम में $350 हो चुके हैं। टाइम लगा है लेकिन डेफिनेटली स्ट्रैटेजी वर्क करे, स्पेशली स्मॉल ट्रेडर के लिए मैं ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को उसके बारे में आगे समझा सकूँ कि आपको किस तरह अपने छोटे से अमाउंट को बड़ा करना है, देन उसको और बड़ा कर एक बड़ी अमाउंट विड्रॉल करना है हर मंथ को। ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन ट्रेड करोगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको पहले समझना होगा, सोचना होगा, सब कुछ करना होगा, तब जाकर आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन का पहला वीडियो के बारे में बात करने वाले, सभी से रिक्वेस्ट करूँ अगर आप प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो उसको पूरा देखूंगा तो ही समझ में आएगा, आधी उधी जानकारी लेकर ट्रेड करूंगे तो भाई लोग लॉस होने वाला है। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से कि जो लोगों को इससे फायदा हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को आगे शेयर करो ताकि और भी लोगों तक नॉलेज पहुंच सके। जो लोग पैसे लेकर सीख रहे, कोई इंस्टीट्यूट पर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो उनका पैसा थोड़ा सेफ हो सके। और बिल्कुल इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितना पहले का मैंने वीडियोस बनाए थे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, उसके ऊपर मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है उसी के रिलेटेड मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको समझा पाऊँ। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, मैं वीडियो बना दूँ आप देख लो वो मेन चीज़ नहीं होता है, मैं ऐसा समझो कि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट में। आपको अगर समझ में आ जाए तो फिर आप अपने मन से ट्रेड कर सकते हो। तो फिलहाल बिना टाइम गवाए डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक पे, लेकिन यस कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट में सजाओ आपका मैं चाहूंगा कि आपको क्या लगता है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सजेशन जानना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो उसके भी आप सजेशन दे सकते हो। प्लस अगर अपनी ओर से कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप प्लीज वेलकम, आप सजेशन बॉक्स में रिक्वेस्ट दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर अप करने वाला हूं। तो गाइस स्टे ट्यून। सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन, और टॉपिक पर जाने से पहले बताना चाहूंगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन यहां पर अवेलेबल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए। और अभी आज का जो हमारा जो टेक्निकल यानी प्राइस एक्शन की जो सीरीज है वो सीरीज देखने से पहले यहाँ पर आप देख रहे हो व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, 6 वीडियोस है, पहले बेसिक्स से लेकर ये पूरा 6 वीडियो कंप्लीट करो, देन ओनली आप इस चीज़ पर मूवमेंट लो ताकि आपको तभी समझ में आएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वरना सब चीज़ आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो इसलिए रिपीट करो, पहले आप यहाँ पर जाके फॉरेक्स का क्या है चीज़ है ये पूरा देख लो, देन जाकर आप इस वीडियो को देखो। तो आज की वीडियो में जो बात करने वाले एग्जैक्टली व्हाट इज प्राइस एक्शन, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं प्राइस एक्शन क्या है। मैं एक बात आपको बता दूं, जिस टाइम मैंने प्राइस एक्शन के बारे में जाना था, जिस टाइम मैंने सुना था, तो मुझे यही लगा ये लोग पागल है। मतलब जहां पर आपको टेक्निकल टूल्स मिलते हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं, चार्ट पैटर्न्स मिलते हैं, उसमें से आप कुछ भी चीज नहीं देखते हो। जनरली जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है वो ना कोई इंडिकेटर यूज करता है, ना कोई चार्ट पैटर्न को यूज करता है, ना ही कोई अदर चीज को यूज करता है, सिर्फ कैंडलस्टिक को यूज करता है और कुछ पर्टिकुलर
पैटर्न्स नहीं बोलूंगा इसको मैं, कुछ रेंजिंग्स होते हैं वो आपको यूज करने को मिलेगा। अभी आज के इस वीडियो में वही हम बात करने वाले, तो उस चीज को यहाँ पर वो यूज करते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत से लोग बोलेंगे सर अगर प्राइस एक्शन इतना अच्छा है तो फिर आपने वो क्यों सीखा। तो मेरे भाई क्रिप्टो करेंसी में वो चलता है, फॉरेक्स में स्पेशली आई मीन स्पेशली प्राइस एक्शन पर काफी ज्यादा फोकस होता है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में। तो मैंने सोचा, मैंने सीखा इसको, मैंने जाना, तो मुझे भी काफी ट्रस्ट वर्थी लगा ये चीज, इसलिए मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। Price action is a way of trading where the trader focus on price action. Price action एक ऐसा तरीका है जहां पर ट्रेडर जनरली फोकस करते हैं प्राइस के एक्शन के ऊपर, यानी जो प्राइस का मूवमेंट है उसके ऊपर फोकस करते हैं एक्सक्लूसिवली एंड कीप्स हिज चार्ट यूजुअली वेरी क्लीन एंड अनकट एंड अनक्लटर्ड। मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां पर वो मैंने आपको बता चुका हूं इंडिकेटर यूज नहीं करता, मैं आपको वो सेटिंग बताऊंगा कि आपको अपने चार्ट को एकदम साफ सुथरा क्लीन किस तरह रखना है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आपको वही सेटिंग के जरिए आपको उसको यूज करना है। कीप इट सिंपल, ये एक स्लोगन होता है, यानी जितना सिंपल आप प्राइस एक्शन का ट्रेड के चार्ट को रखोगे उतने ही आसान तरीके से आपको हर एक चीज समझ में आने वाली है। इस वीडियो कोर्स में हम जो पूरा सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखने वाले हैं, और साथ में तीन बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जो कि 110% वर्क करते हैं इस प्राइस एक्शन सीरीज के अंदर। और एट द एंड आपको कुछ मैं टिप्स भी शेयर करूंगा, छोटे अमाउंट से अगर स्टार्ट कर रहे हो कैसा स्टार्ट करना है, मनी मैनेजमेंट किस तरह करना है, किस तरह आपको स्टॉप लॉस को यूज करना है प्राइस एक्शन के अंदर एट द एंड। इस वीडियो का एंड मैंने कोर्स के एंड में इंशाल्लाह आपको हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होता है प्राइस एक्शन के अंदर वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। जैसे आपने अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज देखा तो आप सभी को पता चल चुका है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होता क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर अ हॉरिजॉन्टल प्राइस लेवल दैट टिपिकली कनेक्ट प्राइस बार्स हाई हाइज एंड लोस लोस फॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल लेवल्स और प्राइस चार्ट। हम सभी को पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जब बनता है तो बनने के लिए मार्केट का हायर हाई पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, लोअर लो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, जिसको हम रेंजिंग मार्केट बोलते हैं उस तरह वे में अपने को देखने को मिल सकता है। रेंजिंग है एक काफी अनकंजस्टेड होता है, लेकिन आपको अगर जानना है तो रेक्टेंगल पैटर्न आपको यहां याद आऊंगा, रेक्टेंगल पैटर्न के जैसे यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल पैटर्न कुछ और है। प्राइस एक्शन के अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, कुछ आगे पैटर्न चार्ट कैंडलस्टिक रहेंगे तो हम उसकी मदद से इनिशिएट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इज फॉर्म व्हेन अ मार्केट प्राइस एक्शन रिवर्स एंड चेंजेस द डायरेक्शन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम उसको ही मानते हैं जो कि मार्केट में देखिए सिंपल सा चीज है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, सपोर्ट लेवल मतलब वो लेवल होता है जहां तक मार्केट डाउन आया, उसके बाद मार्केट ने अपना डायरेक्शन को चेंज किया, मार्केट वहां से रिवर्स लिया। रेजिस्टेंस लेवल मतलब मार्केट हाई गया, उस प्राइस के पास जाने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स ले, यानी वहां से उसने डायरेक्शन को चेंज किया। तो हम मार्केट में यही चीज देखते हैं कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होता है, और उसी के बाद उसको हम ड्रॉ कर देखते हैं। आपको मैं यहां पर बता दूं, एक सिर्फ ये इमेज लिया हूं, मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा कि आपके चार्ट को पहले क्लीन कैसा करना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको किस तरह बनाना है। इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करना होगा, मैं आपको एट द एंड होमवर्क भी देने वाला हूं, और वो होमवर्क मुझे नेक्स्ट वीडियो के कॉमेंट्स में जरूर चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप सिंपल से अगर देख रहे हैं तो ये अपर का जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लेवल है, और जो नीचे का लाइन है वो सपोर्ट लेवल से, यानी प्राइस के ऊपर का जो लाइन होता है वो रेजिस्टेंस होता है और प्राइस के नीचे का जो लाइन होता है वो सपोर्ट होता है। कैसे ड्रॉ करना आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द अदर वे ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर क्रिएटेड इन अ मार्केट फ्रॉम स्विंग पॉइंट्स इन अ ट्रेंड। जनरली हम अदर अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर हम स्विंग्स के ऊपर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। एज वी ऑल नो एज अ मार्केट ट्रेंड्स इट रिट्रेस बैक ऑन द ट्रेंड एंड दिस रिट्रेसमेंट लीव्स अ स्विंग पॉइंट इन द मार्केट विच इज अप ट्रेंड लुक्स लाइक अ पीक एंड डाउन ट्रेंड इज लुक लाइक अ थ्रो। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको बोल चुका हूँ, जब भी कोई भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता है उसको दोबारा सपोर्ट लेता है, सेम चीज जब भी कोई सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है दोबारा उसको वो रेजिस्टेंट बनाता है, तो वो यही बताना चाह रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी आगे बताऊंगा, कोई मसला उसमें नहीं है। यहाँ पर NSD USD का चार्ट मैंने बनाया हो, यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा एक पहले सपोर्ट लेवल था, इस पॉइंट को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वापस हाई जाकर उस सपोर्ट को दोबारा रेजिस्टेंट बनाया। यहाँ पर आप देख लो सेम ये सपोर्ट टूटा, मार्केट यहाँ से इतना हाई गया दोबारा बने, यहाँ पर एक पिन बार बना, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा पिन बार होता क्या है, इसमें आपको किस तरह यूज करना है। यहाँ पर दोबारा मार्केट हाई जाएगा, पिछले लेवल को टेस्ट लिया उसके बाद मार्केट डाउन आया, तो ये होता है स्विंग्स पॉइंट। लेकिन जनरली हम जो फोकस करने वाले ओनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के स्विंग्स के अंदर हम बहुत कम जाएंगे, बहुत कम चीज मिलता है, लेकिन दोनों चीज मैं आपको समझा दूंगा एग्जैक्टली होता क्या है। तो अभी हम डायरेक्टली अपने टर्मिनल पे जाते हैं और टर्मिनल पे देखते हैं कि एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते क्या है। थोड़ा सा सेटिंग चेक कर लेता हूं। ओके, टर्मिनल्स आपको जनरली ब्रोकर चूज करना होगा, और ब्रोकर के मैं आपको बता चुका हूँ उस पर जाकर आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा MT4 के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ,
तो MT4 में जाकर आप एज अ डेमो के लिए प्रैक्टिस के लिए डेमो पे ही करना है, रियल पर डायरेक्टली नहीं जाना है। तो ये मैं टर्मिनल पे अवेलेबल हो USGFX के ऊपर, आप कोई भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप MT4 पे यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। अब मुझे अपने अपने जो चार्ट उसको क्लीन रखना है, तो सबसे पहले मान के चले मैं USDCHF को देखना चाह रहा हूँ। जब भी आप मार्केट ओपन करते हो तो इस तरह का आपको यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। जिसको नहीं पता है कि MT4 टर्मिनल को यूज़ किस तरह करना है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है मैं, प्लस आपको आई बटन में भी उसका वीडियो लिंक दे दूंगा, तो आई बटन में जाकर आप उसको देख लो, प्लस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड को मैं वाइट कर देता हूँ, ओके। और क्या चेंजेस है यहाँ पर, आप 12 लाइन के कलर्स को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ, और बुल कैंडल को मैं यहाँ पर कहा गया भाई ग्रीन यहाँ पर ये रखता हूँ, और बियर कैंडल को मैं रेड कर देता हूँ, क्योंकि भाई डेंजर साइंस होता है तो हमको पता चल जाता है। यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस कर दिया, दोबारा प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर फोरग्राउंड के कलर को आपको ब्लैक कर देना है, ताकि आपको बैकग्राउंड दिख सके। इसके अलावा ग्रीड रहेगा, इसको आपको नन कर देना है, तो आपका चार्ट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ऊपर सेटिंग के अंदर, यहाँ बार चार्ट अभी सेलेक्ट है, हमको सेलेक्ट करना है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक आप सेलेक्ट जैसे ही करते हो, टर्मिनल कनेक्ट है भाई, हाँ ठीक है, ये आपको दिख रहा है मैंने कलर अभी जो चेंज किया। इस पैनल इस क्या बोलेंगे टैंपलेट को आपको सेव करना है, सिंपल से यहाँ पर जाएगा सेव टैंपलेट। सेव टैंपलेट के अंदर जाने के बाद आपको कुछ भी नाम देना है, आदिल मैं जैसे नाम दे देता हूँ, ब्लैंक .tpl डालना है टेम्पलेट के लिए, तो पैटर्न सेफ हो जाएंगे। मान के चलिए अगर मैं नेक्स्ट टाइम कोई और कॉइन को भी इसमें इनिशिएट करता हूँ, जैसे मैं GBP USD को चार्ट देखना चाह रहा हूँ, तो ये वापस ऐसा आ गया, तो मुझे दोबारा पूरा सेटिंग नहीं करना होगा, टेम्पलेट्स में जाऊँगा और कहा गया यार टेम्पलेट, एक सेकेंड आदिल, अरे कहाँ चला गया मैं इसको, चलो मेरा और पुराना वाला जो सेटिंग है उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। आप जब सेव करोगे तो इसमें आ जाएगा, मैं दोबारा उस पर जाता हूँ, कट कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि एक तो स्क्रीन कम होता है लैपटॉप साइज का। मैं आपको आगे इसमें जाऊंगा, इस पर भी सोचो मत ज्यादा आप, इसका आ गया भाई अपना चार्ट तो गुम हो गया। ये पूरे चार्ट मैंने इसलिए लगा के रखा क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो एक साथ उसमें समझ में आ सके। सबसे लास्ट में आई थिंक ये गया हुआ है USDCHF, या ठीक है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको इतना जूम भी नहीं रखना है, ठीक है, और इतना ज़्यादा जूम आउट भी नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर वे में कम से कम इतना जूम करना है कि आपके कैंडलस्टिक दिख सके कि एग्जैक्टली कैंडलस्टिक है कितना। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा करंट प्राइस से लेकर, यानी आपका जो करंट टाइम फ्रेम है, मतलब सेप्टेम्बर से लेकर तो नेक्स्ट सेप्टेम्बर, मतलब 2017 का 18 का सेप्टेम्बर, नहीं ये तो 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पर आपको 1 डे का चार्ट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले देखिए प्राइस, देखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 1 घंटा 4 घंटे में बिल्कुल नहीं करना है। प्राइस का जो मेजर मूवमेंट होता है वो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली दिखाई देगा। प्राइस एक्शन का रूल है 1 डे के अंदर आप यूज करना है। ऊपर टाइम फ्रेम होता है, 1 डे का चार्ट आपको सिलेक्ट करना है। 1 डे का चार्ट सिलेक्ट करने के बाद आप अगर यहां पर देखोगे तो नेक्स्ट ईयर के अगस्त से लेकर करंट मार्केट तक अवेलेबल है, तो कम से कम इतना मार्केट आपको 7 से 8 महीने का रखना है आपके टाइम फ्रेम या चार्ट को, उसको बोलो उसके उतना रखकर आपको फिर उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाना है। सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस लेवल बनाना होता है। प्राइस यहां पर चल रहा है, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है सैटरडे आज इसके लिए, लेकिन प्राइस यहां पर चल रहा है तो मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल पहला ये है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल बनाना चाहूँ, देखिए रेजिस्टर लेवल मेन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जहां से प्राइस ने चेंज इन डायरेक्शन किया है। यहां पर आप देखो चेंज इन डायरेक्शन हुआ है, आप अगर यहां पर थोड़ा सा नजर रखोगे, एग्जैक्टली रेजिस्टेंट पे तो नहीं गया था लेकिन चेंज इन डायरेक्शन हमको यहां से मिला है। एक रेजिस्टर लेवल हमने ड्रॉ किया, सेकेंड यहां पर आप देख सकते हो यहां पर भी मार्केट का एक चेंज इन डायरेक्शन अवेलेबल है। सेकेंड रेजिस्टेंट ड्रॉ किया, अब रेस्ट लेवल ऑन नहीं है, अब मैं सपोर्ट लेवल देखूंगा। प्राइस यहाँ पर चल रहा है, प्राइस के नीचे जो लेवल्स होते हैं उसको सपोर्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मार्केट यहाँ तक डाउन आया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से चेंज इन डायरेक्शन किया है। देन नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मार्केट ने उसके बाद मेजर मूवमेंट जो हुआ है यहाँ से हुआ है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से भी रिवर्स है, यहाँ से रिवर्स लिया है लेकिन मेजर मूवमेंट नहीं है, उसके बाद यहाँ से एक मार्केट दोबारा आ चुका है। अगर आप एक चीज़ मुझे बेहतर लगा, जब भी आप 1 डे के चार्ट के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हो ना, अब यहाँ पर देखो आप एक चीज़ आप नोट करो, यहाँ का जो सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कई बार
इसको एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंट लिया है, तो काफी अच्छी बात है ये चीज का। तो सबसे पहले आपको ये करना है, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंट लेवल ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो मेजर मूवमेंट है जहां से मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया आपको वहां ड्रॉ कर देना है। सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन लेना, क्लिक कर देना है। इतना याद रखें एक चार्ट के ऊपर कम से कम 5 टोटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको मिलना चाहिए। अपना कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 हुआ है। एक और लेवल हम ड्रॉ यहाँ पर कर सकते हैं, मेजर लेवल को यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा ढूंढने की। वैसे तो ऑल लेवल नहीं मिला, पर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक छोटा सा लेवल है, बट यस ये भी काफ़ी मीनिंगफुल हमारे लिए रह सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट इसके अंदर कंजेस्टेड है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम यहाँ पर मार्केट एक रेंज में अटक चुका था, तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, इस तरह आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ड्रॉ करना है। इतना याद रखिए एक चार्ट के ऊपर 4 से 5 सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, इन टोटल जो रहेंगे 4 से 5 ही होना चाहिए। सेकंड चीज, 1 डे का चार्ट आपको यूज करना है। थर्ड चीज, आपको चार्ट को बिल्कुल ब्लैंक रखना है, नो इंडिकेटर नो अदर टूल्स आपको यूज करना है। सिर्फ आपको यही पहले प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये चीज ड्रॉ करने के लिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। मैं एक होमवर्क के तौर पर आप सभी को देना चाहूंगा कि आपको ये लेवल्स ड्रॉ करना है, और नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे प्राइस सेक्शन के ऊपर, तो उसके अंदर सभी को अपना स्नैपशॉट देना है। यानी आपने ये जो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद आपको स्नैपशॉट लेना है, जैसे डेस्कटॉप से होता है ऐसा स्नैपशॉट लेकर मुझे अपने कॉमेंट बॉक्स के अंदर या किसी और जरिए मुझे बताना है कि सर हमने ये ड्रॉ किया है सही है, मैं देख सकूं भाई जो लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है या नहीं। इतना याद रखिए जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल रहेगा वहीं पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाना है। करंट मार्केट की अगर हम बात करें तो करंट मार्केट यहां पर है, लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के बाद हमको ट्रेड कैसे लेना है ये आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपको होमवर्क है, जो प्राइस एक्शन को सीरियस लेना चाह रहे हो तो ये होमवर्क इंशाल्लाह जरूर करके लाएंगे। होमवर्क सिंपल सा है, आपको जितने भी कॉइन्स है कम से कम 5 से 6 करेंसी पेयर्स का ना आपको चार्ट को ब्लैंक करना है। पूरा ब्लैंक करने के बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके उसका स्नैपशॉट मुझे नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में करना है, या आप चाहो तो मुझे मेल कर सकते हो, जो आपको ठीक लगा वो करिए, ताकि मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देखूंगा कितने लोगों को समझ में आया कितने लोगों को नहीं आया, तो हिसाब से हम फिर उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुका है, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लो, ताकि आपको पूरी तरीके से आइडिया आ सके। दोबारा बता दूँ, प्राइस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी छोटा कोर्स रहने वाला है, कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, सीरियस होकर सीख लो। क्योंकि देखिए मैं अभी सिखा रहा हूँ, इसके रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आंसर दे दूंगा। एक बार ये कोर्स खत्म हो जाएगा फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे बताने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि मैं अगर कुछ और चीज़ पर फोकस करूँ तो मुझे उस चीज़ में बताने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ सीखते सीखते रहेंगे, आप क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे तो मुझे बताने में भी आसानी होगा और आपको भी इंटरेस्ट आएगा सीखने में। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, एक दिन पूरा अवेलेबल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 5 से 6 पेयर्स के ऊपर बनाओ। चार्ट को पहले ब्लैंक करना है, उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, और मुझे शेयर करना है कि अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर क्या देखकर उसको ड्रॉ किया है, जहां से प्राइस का मेजर मूवमेंट हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुका है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुका है। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूं गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पूरा जाकर दोबारा देखिए। प्लस मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक्स फॉरेक्स की इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भी देख लो, पिप्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, ताकि आपको एक आइडिया आ सके हो क्या रहा है मार्केट में। तो पहले वो सीखो, देन इस पर मूवमेंट लो, तभी आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ में आने वाला है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसके अंदर या फिर पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा और आपको इंशाल्लाह समझाने की पूरी मैं कोशिश करने वाला हूं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद।